तुर्की ने यह आरोप लगाया कि एक दिन पहले इस्तांबुल में कुर्द लड़ाकों ने विस्फोट किया था जिसमें 6 लोगों की जान गई और 53 की हालत गंभीर है। एक दिन पहले तुर्की का जाना माना शहर इस्तांबुल धमाके से दहल उठा था और जैसे ही लोगों ने ब्लास्ट की आवाज सुनी वो घबरा गए और यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन 6 लोग नहीं भाग पाए और इस हमले में मारे गए। इसके अलावा 53 लोग घायल हुए। धमाके के बाद की कुछ तस्वीरें भी आई जिनमें कुछ शव यहाँ वहाँ पड़े दिखे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस्तांबुल के एक बिजी मार्केट में दिन दहाड़े ऐसा हो जाएगा, इसीलिए धमाके के बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने पहुँच गई। इस घटना के बाद पूरा इस्तांबुल एक छावनी में बदल गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई, जिसके बाद विस्फोट करने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई और धमाके के अगले ही दिन तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल से एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें तुर्की की पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती नजर आई, जिसके बाद तुर्की की सरकार ने बिना घुमाए फिराए धमाके का आरोप कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर लगा दिया और वहां के एक मंत्री ने दो टूक कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि इसके पीछे पीकेके का हाथ है। इससे पहले राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसे हमला बताकर जता दिया था, थोड़ी ही समय में वो हमला करने वाले का नाम बता देंगे। और वही हुआ, तुर्की की सरकार ने खुलेआम आरोप लगाया कि इस्तांबुल में धमाका पीकेके ने करवाया है। तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लड़ाकों को आतंकवादी बताता है और इस्तांबुल में हुए धमाके को वो आतंकी हमला बता रहा है। यही नहीं, घटना के बाद उसने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक का ये वीडियो इसी का सबूत है। ये वीडियो इस्तांबुल में विस्फोट के अगले ही दिन जारी किया गया। तुर्की की सरकार ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान ने इस बार उत्तरी इराक में 4 कुर्द लड़ाकों को मारा और वो आगे भी इसी तरह उन्हें चुन चुन कर मारेगा। मतलब तुर्की चुप नहीं बैठेगा, वरना वो धमाके के अगले ही दिन एयर स्ट्राइक का वीडियो क्यों जारी करता। और कुर्द लड़ाकों का मुद्दा तो उसके लिए नाक का सवाल बन चुका है, जिन्हें मारने के लिए वो अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगाड़ने पर उतारू है, क्योंकि वो लगातार उत्तरी इराक और सीरिया में हमले कर रहा है और कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतार रहा है। माना जा रहा है कि इस्तांबुल में विस्फोट के बाद वो और आक्रामक हो जाएगा और चुप नहीं बैठेगा। उत्तरी इराक में सुबह हुई एयर स्ट्राइक का ये वीडियो इसी का सबूत है, क्योंकि तुर्की कह रहा है कि इस्तांबुल में हुआ हमला पीकेके ने करवाया और माना जा रहा है कि इसका बदला तुर्की ने उत्तरी इराक में 4 कुर्द लड़ाकों को मारकर लिया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके हेलीकॉप्टर रूस के ठिकानों पर कहर बरपाते हुए साफ नजर आए। यूक्रेन ने यह हमला Mi-8 हेलीकॉप्टरों से किया और ऐसे बम बरसाए कि लगा मानो आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। यूक्रेन का एक एक हेलीकॉप्टर रूस के ठिकानों पर एक बार में कम से कम 7 से 8 बार बम बरसाता नजर आया, जिसके जवाब में रूस ने जोरदार हमला कर यूक्रेन को थर्रा दिया। इसके लिए उसने अपने खतरनाक Mi-28N हेलीकॉप्टरों को चुना जिसने इतने धमाके किए कि गिनना मुश्किल हो गया। रूस ने दावा किया कि उसके इस पलटवार में यूक्रेन के कई फौजी ठिकाने तबाह हो गए, साथ ही उसे टैंक, हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का भी नुकसान उठाना पड़ा।